फॉर्मूला है, उसकी खासियत यह है कि कोई एक फॉर्मूला सीख लो बाकी सारे फॉर्मूला खुद ब खुद अप्लाई हो जाते हैं। हेलो, तो चलिए आज इसी फॉर्मूले को हम सीखते हैं। एक छोटा सा सैंपल डेटा बनाता हूं ताकि समझ में आ जाएगा आपको। हेलो सर, हाँ सर, सर लास्ट क्लास में तो हमने मैथ वाला किया था, हाँ तो इसमें स्टैटिस्टिकल वाला कौन सी क्लास में हो गया सर? सर वो आपको एवरेज जीफ वगैरह दोनों मर्ज थे ना, मैथ और स्टैटिकल दोनों मैच था, मर्ज था ना। स्टैटिकल हुआ जैसे कि स्टैटिकल में था ना आपका, तो इसमें तो और भी बहुत सारे तो सर बहुत सारे फंक्शन है, तो फॉर्मूले इसके लिए मैथमेटिक्स आपको अच्छी होनी चाहिए ना। यस सर। जैसे इसमें इसमें बात करते हो, सर इसी एक्सक्यूज के बाद बात करें, ये पूरा स्टैटिक्स मैथ के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं ना, और जो सीए से भी सीए को भी इतना समझ में नहीं आता, कॉस्ट मैनेजमेंट जिनका होता है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट, वो इस फंक्शन को समझ पाते हैं, जिनका स्टैटिक्स बहुत अच्छा होता है सांख्यिकी, वो ही समझ पाते हैं इस चीज को। बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे थे, इंजीनियरिंग फॉर्मूला भी है, क्यूब फॉर्मूला भी है, तो सारे फॉर्मूला समझ के बाहर है ना, उसके लिए मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग चाहिए ना सर। अरे एक बार देख लीजिएगा, जैसे ये देखिए ये फॉर्मूला इस मेथड पे आती है, डिपेंड करता है तीसरे का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सर इसलिए मैं इसको स्किप किया क्योंकि ये फॉर्मूले आपके काम के नहीं है और ना आप इसको सीख पाओ, क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको दोबारा मैथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम इससे आगे से बढ़ते हैं। और स्टैटिक फॉर्मूला ये पार्ट है इसका, क्या बोलते हैं, डेटाबेस फॉर्मूला भी स्टैटिक डेटा का ही पार्ट है, तो इसी चीज को हम पढ़ते हैं। आपने सम इफ और बाकी चीजें देखी होगी, तो सम इफ एवरेज इफ काउंट इफ की फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला किसी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसकी जो चीजें हैं कुछ उसकी जो खामियां हैं वो खामियां को दूर करता है हमारा डेटाबेस फॉर्मूला। जैसे कि आपके सामने, पहले मैं एक बार लिस्ट निकाल लेता हूं, मैं हेल्प पे जाता हूं, फंक्शंस डेटाबेस है, लिस्ट मैनेजमेंट, ये रहा आपका डेटाबेस का। इसमें सबसे पहले आपका फॉर्मूला आता है डी एवरेज का, या फिर डी सम है, डी गेट है, डी मैक्सिमम है, डी मिनिमम है, डी काउंट है, तो इस चीज को देखते हैं। हम डी सम और डी एवरेज डी काउंट सारे एक एग्जाम्पल करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास नेम है, आपको सम करना है इंदर मनीष एंड कविता का, और आपने क्वांटिटी लिया है कि इंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, कविता की क्वांटिटी लेस देन 50 होनी चाहिए, और सिटी मैंने लिया कि भाई इंदर की सबकी सिटी चाहिए, मनीष जो है वो दिल्ली का चाहिए। अब ऐसी कंडीशन आपको सम इफ्स में काफी भारी पड़ेगी और बड़ी लंबी तरीके से लगाना पड़ेगा, लेकिन डी सम या डी एवरेज इसको आसानी से लगा सकता है। तो डी सम हम पूरे एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा फिल, आपको सम किसका करना है, मतलब सम मुझे अमाउंट का करना है, हम अमाउंट मैनुअल लिख भी सकते हैं या फिर हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने बोला क्राइटेरिया कौन सा है, तो मैंने बोला कि क्राइटेरिया हमारा ए है,
और एंड। तो इसने क्या किया कि इंदर लिया कौन जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है। मनीष ने क्वांटिटी तो वो पूरा ले लिया लेकिन सिटी और लिया जो दिल्ली है, और कविता का जिसकी क्वांटिटी लेस देन 50 है वो लिया। तीनों कंडीशन इसने एक साथ मैच करके आपका दे दिया। बात करते हैं डी एवरेज का। डी एवरेज तो सारे फॉर्मूला का लगाने का तरीका सेम है। डी एवरेज आपका एवरेज निकाल के, फिल किसका एवरेज निकालना है, मुझे अमाउंट का निकालना है। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया में आपको हेडिंग भी लेना जरूरी है, बिना हेडिंग के नहीं ले सकते हो आप, तो हेडिंग से ही मैच करता है। उसके बाद बी मिनिमम, बी मैक्स, बी मीन, लगाने का तरीका सेम है। इसका मिनिमम लेना, इसका लेना है, और क्राइटेरिया सेम। बी मैक्स इसको क्राइटेरिया को आप लिख भी सकते हो ए एम टी इस तरीके से, ये जो फील्ड है और क्राइटेरिया यहां पे। इसी तरीके से डी काउंट, डी काउंट ए, डी काउंट किसके लिए यूज होता है, नंबर काउंट करने के लिए। डी काउंट है काउंट ऑल, नंबर टेक्स डेट टाइम सब काउंट करता है। डी मैक्स, डी मीन, डी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए और सम निकालने के लिए, और ये वेरिएंस निकालने के लिए, एस्टिमेट वेरिएंस बेस्ड ऑफ द वेरिएंस का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास स्टैटिक का, मतलब कि हमने वी ए आर वेर वेर का फॉर्मूला लगाया वेरिएंस। इसने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके बताया कि इनके इन दोनों के बीच में क्या वेरिएंस है, ये पूरे ओवरऑल के अंदर क्या वेरिएंस है, कौन निकाला। ए वेरिएंस स्टैटिक फॉर्मूला का पार्ट है। और आप लोग मैं बीकॉम आप लोगों ने अगर किया होगा तो वेरिएंस को जानते होंगे, वेरिएंस का एक कंसेप्ट है जिसके जरिए हम इसको अप्लाई करते हैं। वेरिएंस इस मेथड पे चलता है। एवरेज ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन, और फिर बताता है कि क्या वेरियंस है। तो स्टैंडर्ड वेरियंस हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यह हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ 24 पूरे सिलेक्टेड रेंज का। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक स्टैटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलता है। इस फॉर्मूले का चलता है कि एवरेज ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि आपका जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस का रूट स्क्वायर होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे स्टैटिक का पार्ट है, अगर आपको स्टैटिक अच्छी तरीके से आ रहा होगा तो इस चीज को आप समझ सकते हो। तो इसमें जो आपका जो सबसे यूजफुल फॉर्मूला होता है बी सम का होता है, बी एवरेज का होता है, बी मैक्सिमम, बी मिनिमम का होता है। तो कभी कभी हमें क्या होता है कि इस तरह के मल्टीपल कंडीशंस मिल जाते हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस में इसका हम यूज करते हैं ताकि हम सम निकाल सके, नहीं तो आपको यहां पे वन बाय वन सम इफ्स लगाने पड़ेंगे, और सब में मैनुअल लगाना पड़ेगा क्योंकि सबका कंडीशन अलग अलग है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला। हम इंजीनियरिंग फॉर्मूला और क्यू फॉर्मूला को स्किप करते हैं। ये दो फॉर्मूला मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल यूज हो रखा है और उतनी डीपली मैं आपको फिर मुझे आपको मैथ पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इस फॉर्मूले को मैं स्किप करूंगा। ये फॉर्मूला हमारे कोर्स में ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला पे आते हैं। इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला, अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला है, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला अगर हम सिंगल इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करें तो कोई उसका इफेक्ट नहीं होता है, कोई खास यूज नहीं दिखेगा। लेकिन इस उस इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला को हम किसी और फॉर्मूले में यूज करके एक बहुत ही अच्छा काम करता है। उस फॉर्मूले का यूज करके हमारा बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे काम को हमारा खत्म करता है। तो इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला हमारे इंपोर्टेंट है, चली बात। इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला है सेल का, मतलब इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला की जो कैटेगरी है वो आपके सेल सीट फाइल वर्कबुक एप्लीकेशन या फिर विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेम आपका सेल का फॉर्मूला है इक्वल सेल। सेल फॉर्मूले में हमारे पास कई सारे क्राइटेरिया है, जैसे कि एड्रेस। अगर मैं इसको सिलेक्ट किया, कोई एक सेल का एड्रेस सिलेक्ट किया तो मुझे इसके बारे में एड्रेस बताएगा कि इसका एड्रेस क्या है। उसके बाद आगे बने, लेकिन इसमें इसका एक अच्छा खासा यूज होता है, लेकिन इसके लिए पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा। मैंने फाइल को सेव किया, अब एक अच्छा इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं इसमें। कभी कभी क्या होता है कि मुझे सीट का नेम रिफ्लेक्ट करवाने होते हैं। मैं चाहता हूं जो सीट का नेम यहां पे है मुझे यहां पे दिखे। मैं यहां चेंज करूं तो मेरा यहां भी चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां पे सेल का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सेल इसमें मैं फाइल नेम सिलेक्ट करूंगा और जस्ट एंटर मार दूंगा तो इसने कंप्लीट फाइल का लेंथ आएगा कि सी ड्राइव में यूजर स्टैम्प डेस्कटॉप बुक वन एंड सीट सिक्स। मुझे इसमें सीट का नेम कैप्चर करना है। तो इसमें देखिए हमने देखा कि जो हमारी बड़ी ब्रैकेट की जो क्लोजिंग बड़ी ब्रैकेट है वो हमारा वहां से मैं सीट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहां पे अपना फाइन जो हमने टेक्स्ट फॉर्मूले में सीखे थे उस कंसेप्ट को अपनाऊंगा और यहां पे मैं फाइंड को सिलेक्ट करूंगा स्टार्ट वन। इसने बताया कि 34 के बाद से हमारा सीट स्टार्ट हो रहा है। फिर यहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लेफ्ट का, तो राइट राइट इक्वल राइट टेक्स्ट और हमने कंप्लीट लेन लिया और माइनस 34 सीट आ गया। अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं, जैसे मैं यहां पे कर दिया जैन, एंटर मारते ही हमारा जनवरी यहां पे आ जाए। तो भारती जी नितिन जी समझ में आया चीज आपको? कोई डाउट होगा तो बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। तो इसका यूज पता है क्या होता है? बेसिकली आप जब ऑफिस में रिपोर्ट बनाते हो तो आपके कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे आपके एक पास एक डेटाबेस है उसमें जो सिटी वाइज रिपोर्ट बनाना चाहते हो, आपका सीट का नाम जो होता है वो सिटी होता है। आपको सीट का नेम आपने चेंज किया तो आपका बाकी सारा चेंज हो जाए, तो इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब चलिए इंफॉर्मेशन फॉर्मूला पे आगे बढ़ते हैं, सेल पे ही बढ़ते हैं। सेल पे हमारा एड्रेस होता है, ये हमारा कॉल अगर हमने मोटोकॉल में जैसे कि यहां पे बात करते हैं ना, यहां पर फाइल नेम दिया है, आपको फाइल नेम की जगह एड्रेस देंगे तो एड्रेस आएगा। हम कॉल COL कॉल लेंगे तो कॉलम नंबर जिसमें है उसका कॉलम नंबर, ये आएगा कलर। कलर ये नहीं कि आपको कलर देगा कि आपने कौन सा कलर अप्लाई किया है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको
मैं फॉर्मेटिंग पढ़ाया था नंबर फॉर्मेटिंग, तो नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर में हमने यहां पे माइनस भरे थे, माइनस का फिगर। तो इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूं, अगर मैं माइनस से फिगर लिखा तो रेड कलर हो गए। तो एक कलर आपको बताएगा कि अगर आपका कलर रेड है तो यहां पे आपका जो है रिटर्न करेगा वन, नहीं तो जीरो। तो इस इंफॉर्मेशन फॉर्मूला ये दिखाता है। सेल कॉल और इस पे हमने डिफरेंस। सर हाँ सर हेलो, हमने गलत कर दिया, कॉल के साथ कलर होना चाहिए। आवाज तो आ रही है तो? क्या सर कुछ आपकी स्क्रीन सही से दिख, सर स्क्रीन सही से डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर स्क्रीन इज नॉट जो आपका वॉइस है तो अभी एक मिनट है वही दिख रहा है। अब सही आ रहा है सर? आप तो सही रहा था लेकिन आपकी आवाज के हो सकता है सर नेटवर्क डाउन हो, ग्राउंड फ्लोर पे होना सर, नेटवर्क छोड़ देता है। आज घर से क्लास ले रहा हूँ ना, सेंटर खोला नहीं था। ऐसे फाइल नेम है, फॉर्मेट है, इसमें एक और टाइप है प्रोटेक्ट है, कि सी का आपका प्रोटेक्ट है कि नहीं है। वीडियो वाले को दोबारा बता दीजिए। क्या सर? सर जो अभी कलर वाला बताया ना उसको एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए सर। कुछ सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए, ये जो आपका ऊपर है ना कलर का, इस लाइन को पढ़िए क्या है। यस सर, का मतलब क्या होता है ना, कभी कभी जो हम आपको याद होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग में नंबर फॉर्मेटिंग में हमने सेलेक्ट कर लिया कि अगर माइनस वन है तो माइनस का सिंबल ना दिखे कलर दे दो जाए। तो यहां पे ये चीज आपके लिए सॉल्यूशन देता है कि फिर माइनस सिंबल से पता नहीं चलेगा कलर रेड हो गया अगर हमने फॉन्ट कलर चेंज कर दिया तो उस केस में आपका एक सेल का फॉर्मूला जो है वो आपको बताएगा कि इसमें माइनस का रेड। मान लीजिए ना कि आपको फर्क कैसे पड़ेगा, ये भी अब मैंने यहां पे अगर मैंने इधर एक ये दोनों फर्क दिखेगा सर आपको। ये सेल फॉर्मूला आपको फर्क दिखाएगा। ठीक है, सेल फॉर्मूला समझ में आएगा आपको क्या करता है ना। सेल फॉर्मूले के बाद हम आगे बढ़ते हैं एरर टाइप। आपको मैंने इफ एरर का फॉर्मूला बताया था। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी तरह का अगर एरर आता है तो उसके जगह पे कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर देता है। सपोज दैट कि कभी आपको जरूरत हुआ कि नहीं मैं एक पार्टिकुलर एरर पे ही कोई वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हर एरर का एक मीनिंग होता है। जैसे नल आता है, नल का एरर किसके लिए काम करता है कि नल का एरर जब आपकी कोई डेटाबेस से लिंक अप है, से एक्सेस से या फिर एसक्यूएल सर्वर से या फिर अदर से अगर आपका लिंकिंग होता है, अगर वहां पे वैल्यू जीरो होती है तो यहां पे एरर आपको नल आता है। एक्सेल डीआईबी बताए आपको कि अगर जीरो से डिवाइड करते हो तो वैल्यू का एरर देता है जब आपका फॉर्मूला का इनपुट फुलफिल ना हो। जैसे कि फॉर्मूला आपने क्राइटेरिया फुलफिल ना कर रखा हो या तो फॉर्मूला के अंदर जो इनपुट डली हो वो फुलफिल ना हो, उसके अकॉर्डिंग ना हो तो आता है आरएफ। आपने जो रेफरेंस डाला है वो आउट ऑफ रेंज है या फिर किसी ने डिलीट कर दिया है तब आता है। नेम तब आता है जब आपका
फॉर्मूला का स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर जो फॉर्मूला डाल रहे हो वो वर्जन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हो, जैसे कि इसका क्या बोलते हैं नेटवर्क डॉट इंटरनेशनल 2007 में नहीं है बट 2013 में, अगर 2013 का फाइल ओपन करोगे जिसमें नेटवर्क डॉट इंटरनेशनल लगा हुआ है यहाँ पे आपको नेम का आ जाएगा नम, ये आपका डेटाबेस फॉर्मूले के एरर्स आते हैं उसमें दिखाता है, एन ए लुकअप फॉर्मूला, लुकअप के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें दिखाता है। तो एरर आपको मान लीजिए कि आपको सिर्फ नेम पे ऐसा करना है कि फॉर्मूला डज नॉट, मैसेज पास आउट करना है कि फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट या फिर दिस फॉर्मूला नॉट सपोर्टेड दिस एप्लीकेशन, उस केस में आपको एरर टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो एरर टाइप इस नंबर में रिटर्न करेगा कि नल हुआ तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से रिटर्न करेगा, इसके बिहाव पे आगे आप आगे काम कर सकते हो। आगे ही क्लासेस में आपको समझाऊंगा जब मैं रिपोर्ट ऑटोमेशन फॉर्मूला खत्म होने के बाद रिपोर्ट ऑटोमेशन स्टार्ट होगी आपकी उसमें सबका यूज में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे होता है और बेनिफिट क्या है। इन्फो, इन्फो में आपका ये बाकी जो चीजें हैं उसका यूज नहीं करते हैं लेकिन इसका यूज करते हैं आपका इसका रिलीज का। रिलीज बताता है आपका कि आपका एक्सेल का वर्जन क्या है। इन्फो और रिलीज इसने बताया कि एक्सेल का जो वर्जन है वो 12.0 है। हाँ, अगर 2003 में फॉर्मूला लगाओगे तो 11.0 दिखाएगा, 2010 में 13.0 दिखाएगा और 2013 में आपको 14.0 दिखाएगा। तो अगर मान लो फॉर्मूला आप लगाते हो और मैसेज पास आउट करवाना चाहते हो कि नहीं, अगर जैसे कि आप ये बात करो इफ एरर का फॉर्मूला ले लो, इफ एरर का फॉर्मूला 2007 ऑनवर्ड है 2003 में नहीं है, आप मैसेज करना चाहते हो कि ये फॉर्मूला 2003 में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप रिलीज से आप यूज कर सकते हो। अगर रिलीज करते आप सिस्टम डाल दो रिटर्न करेगा आपका तो आपका पीसी डॉस टेस्ट है या फिर आपके पास मैक है। मैं डॉस बेस है तो डॉस दिखाएगा। इनको इन्फो के बाद मुझे इंच के कुछ फॉर्मूले इज इवन, अगर इवन नंबर हुआ तो एच में बता चुका हूं आपको, हेलो डेट डेट सर यूज कर रहे हैं इंटरनेट। हेलो हेलो नीति जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? वाईफाई ऑफ है क्या? नहीं हो रहा है वाईफाई बोल रहा हूँ। पासवर्ड है ना उस पर? पासवर्ड तो है लेकिन नवीन नहीं यूज कर रहा है, मैं एक बार यूज कर रहा हूँ। ऊपर है क्या वो? ऊपर कहाँ जा रहा है इतना वाई फाई कितना ऐसा कर दिया? अच्छा हाँ चलता हूँ यहाँ से वहाँ बिल भी जा सकता है।
ऊपर है क्या? हेलो हेलो, क्या हो गया? एक मिनट, उसको निकाल दो, आप उसको लगाने दो, किसी ने ला के देख लीजिए ना। इसमें स्लो आता है, इसमें फास्ट आता है। वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है, कनेक्टेड में।